हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ जो है सऊदी अरेबिया के लिए। तो जो भी डिटेल्स है वो आगे वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, तो वीडियो को आप लोग ज़रा भी स्किप मत कीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। और दोस्तों, अब तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है सऊदी अरेबिया के लिए, जिसमें हमें हैवी डीजल मैकेनिक चाहिए। हैवी डीजल मैकेनिक जो जैसे कि ट्रक हो गए, बसेस हो गए, ये सारा कुछ मैकेनिक का काम करने आना चाहिए, ये सारा कुछ उनको बनाने आना चाहिए। तो इस तरीके के हमारे पास रिक्वायरमेंट है। जो इसमें सैलरी कंपनी जो दे रही है वो 1700 सऊदी रियाल दे रही है। अगर आपको इंडियन एक्सपीरियंस है तो भी इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन एक्सपीरियंस वालों को, अगर आप लोग कभी गल्फ़ नहीं गए इसमें। क्योंकि ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें गल्फ़ एक्सपीरियंस वाले ही कैंडिडेट्स मांगे जाते हैं, उनको गल्फ़ एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो ये इंडियन एक्सपीरियंस वाले लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि इंडियन एक्सपीरियंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1700 रियाल जो सैलरी है वो इंडियन अमाउंट में लगभग 37,000 रुपये आज के रेट के हिसाब से बनती है। और इसमें खाना आपको खुद करना रहेगा, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारा कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। और इसमें जो ड्यूटी रहने वाली है वो 10 आवर्स की ड्यूटी है, वीकली एक ऑफ रहेगा, तो हफ्ते में 6 दिन काम करना रहेगा। दोस्तों, अगर इसमें आप लोग ओवर टाइम वगैरह करते हो तो 40-42 हज़ार रुपये भी आप लोग इसमें कमा सकते हो। दोस्तों, इसमें ECR ECNR दोनों भी पासपोर्ट चलेंगे। एज रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो हमें 22 से लेकर 38 साल तक एज चलेगी। अगर आप 38 साल के अंदर के हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, 38 साल से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए हमें इसमें ट्रेड टेस्ट देना होगा आपको। जैसे आप लोग हमें कॉन्टेक्ट करोगे तो हम लोग आपको बताएंगे कि आपको अलग अलग टेस्ट होते सेंटर होते हैं, तो वहाँ से आपको टेस्ट करवाना है। कौन से आपके नज़दीक में जो भी रहेगा उस टाइम पे हम आपको बता देंगे कि आप जहाँ से भी जो स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको कहाँ से टेस्ट करवाना है, कहाँ से नहीं करवाना है। वहाँ का सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, सबके अलग अलग मार्क्स जो मार्क्स देते हैं टेस्ट सेंटर वाले, तो सब कंपनी अलग टेस्ट सेंटर्स के अलग अलग मार्क्स को प्रेफर करती है। जैसे आयशा टेस्ट सेंटर जो है बॉम्बे में है वो और लखनऊ में है, तो वहाँ का जो है वो जो क्लाइंट्स होते हैं वो 60-61% भी अगर आता है तो उसको ले लेते हैं। लेकिन जो दूसरे टेस्ट सेंटर्स है उसके अंदर आप लोगों का अगर 60-61 ऐसा 62 ये मार्क्स आते हैं तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आयशा टेस्ट सेंटर के अंदर 60-61 को एक्सेप्ट करा जाता है, तो हम लोग उस टाइम पे आपको आप लोग हमें कांटेक्ट करोगे, आप लोग हमारे से डिटेल्स लोगे तो हम लोग आपको बता देंगे कि कौन से टेस्ट सेंटर का कितना मार्क्स आपको आना चाहिए। तो आप लोगों को वहाँ से टेस्ट देना है, वो टेस्ट सर्टिफिकेट आपको हमें देना है, फिर आप लोग हमें हम लोग आपको बोलेंगे कि मेडिकल करवाओ, आप मेडिकल कराओगे, हम लोग मुफा नंबर देंगे, वीज़ा वगैरह सारा कुछ रेडी है हमारे पास, इसका वकाला वगैरह सब रेडी हो चुका है। आप हम लोग आपको मुफा नंबर देंगे, आप मेडिकल निकालोगे वहाँ से, मेडिकल आप पासपोर्ट हमें सबमिट करोगे, हम लोग आपका वीज़ा जो है वो स्टैंपिंग के लिए भेज देंगे, आपका पासपोर्ट वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है। अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो आपको इमिग्रेशन नहीं लगेगा, तो हम लोग डायरेक्टली जो है वो फ़्लाइट बुकिंग कर देंगे। और आपका अगर ECR पासपोर्ट रहता है तो उसके लिए फिर हमें इमिग्रेशन करना पड़ेगा, फिर इमिग्रेशन हो के आएगा तो उसके बाद में आपकी फ़्लाइट बुकिंग करेंगे। तो लगभग जो है वो 15-20 दिन 25 दिन के अंदर का प्रोसेस है। ये टाइम पीरियड के अंदर आपका सारा कुछ मेडिकल से लेके फ्लाइट तक के सारा कुछ काम इसमें अंदर ही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए दिए गए नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिस एड्रेस भी मिल जाएगा आपको। हमारा ऑफिस जो है वो द प्रोवाइडर कंसल्टेंसी के नाम से मुंबई में हमारा ऑफिस है, आप लोग हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। तो कोशिश करिए हैवी डीजल मैकेनिक में अप्लाई करने के लिए, जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट करिए, हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हो तो हमारे ऑफिस पे विजिट करिए। दोस्तों, आगे वीडियो के अंदर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स है वो हम लोग उस पर पोस्ट करते रहते हैं वो भी आपको सारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में किसी को भी गल्फ़ में किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी चीज़ की काम के लिए रिक्वायरमेंट हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप और भी किसी फील्ड से रिलेटेड हो, आप
अगर आप डीजल मैकेनिक में नहीं किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।